जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा का विषय, पहले आज का विचार जानते हैं। आज का विचार है, ऊंचा उठना है तो अंदर के अहंकार को निकाल कर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। राधे राधे। दर्शकों, विगत कई वर्षों से वृष राशि वालों को बड़ी ही परेशानी उठा रहे बेचारे। शनि की साढ़े साथी ने इनका भाग्य क्या होता है, इनको भुला दिया है। भाग्य किसको कहते हैं, ये लोग भूल गए हैं। वृष राशि वाले बहुत परेशान हैं, चार वर्ष से भाग्य इनका सोया हुआ है और वृष राशि वाले अपने भाग्य को कोस रहे हैं, क्योंकि बिना भाग्य के कुछ होता ही नहीं है। हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम, कि जब तक भाग्य आपका नहीं फलेगा, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि और आपकी मेहनत, आपके कोई भी काम नहीं आती है। इसलिए भाग्य का फलना बहुत ज़रूरी है। अगर भाग्य नहीं फलेगा तो आप सोना उठाएंगे मिट्टी हो जाएगा, ये एक हकीकत है और इससे हम सब लोग परिचित हैं। लेकिन अब आपके सितारे भाग्य में जगमगाने को तैयार हैं, भाप उनका स्वागत कीजिए। बताते हैं कैसे होगा ये वीडियो वृष राशि वालों के लिए है, पूरा वीडियो देखें, अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। सितंबर के महीने में बुध का गोचर सूर्य के साथ सिंह राशि चतुर्थ भाव में हो रहा है। आपके सामने कुंडली है, कुंडली को देखिए, सिंह राशि में बुध का और सूर्य का गोचर हो रहा है। शुक्र के मित्र बुध देवता हैं और बुध स्वयं सेकंड हाउस यानी धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ का गोचर आपके अच्छे दिन की शुरुआत लेकर आया है। धन का स्वामी चतुर्थ में और चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ के स्वामी सूर्य देवता बनते हैं, स्वयं अपने घर में बैठे हैं, तो सोने पर सुहागा वाली होगी बात है कि धन का मालिक और जो चौथा भाव सुख होता है, सुख का मालिक, अगर दोनों मिलते हैं तो आपको भौतिक सुखों की लाइन लगा देंगे, भौतिक सुखों का भंडार खोल देंगे आपके लिए। तो ऐसे जो ग्रह हैं आपके लिए भौतिक सुख साधन मुहैया कराने को तैयार हैं, देने को तैयार हैं, आप उनका स्वागत करें। दूसरी बात करते हैं कि माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में स्वयं बैठा है, शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव के ऊपर है और शनि बकरी होने से कोई भी प्रभाव, शनि का दुष्प्रभाव चतुर्थ भाव पर अभी नहीं है। गुरु राहु का चांडाल दोष भी जो समाप्ति के कगार पे है, समाप्त होने वाला है, क्योंकि गुरु की डिग्री बहुत है, शनि बहुत कम डिग्री पर हो गई, शनि की करीब 2-3 डिग्री है, गुरु की 15-16 डिग्री हो गई। तो ये भी प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है, शुभ होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि गुरु की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो गुरु आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि से गुरु की जो दृष्टि है, थोड़ा चतुर्थ भाव के लिए आपसे कुछ खर्चा कराने वाली होगी। चतुर्थ भाव आपके भौतिक सुख संपत्ति का भाव होता है, तो आप अपने भौतिक सुख साधनों पर पैसा खर्च करेंगे, धर्म के काम पर पैसा खर्च करेंगे, धर्म के लिए आप पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और गुरु धार्मिक ग्रह है। अगर वो चतुर्थ भाव में दृष्टि डालता है तो आपका जो खर्चा है वो ज़्यादातर धार्मिक कार्यों पर होगा। शुक्र मार्गी अवस्था में, शुक्र विद्या बकरी थे और मार्गी अवस्था में ये तृतीय भाव पर होने से आपका जो पुरुषार्थ है, हिम्मत है, बड़ी चढ़ी रहेगी और पूरी हिम्मत और मेहनत से आप अपना काम कर पाएंगे। वृष राशि वाले वैसे बहुत मेहनती होते हैं, इन्हों आप अपना अपने ये लक्ष्य पर इनका ध्यान केंद्रित होता है और ये अपने काम पर लगे रहते हैं, इधर उधर की बातों में इनको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और ये मस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं और मस्त रहते हैं। जब अपने काम में लगे होते हैं तो इधर उधर की बातों में इनको कोई भी इंटरेस्ट या दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं होती है। बात करेंगे हम सितंबर अक्टूबर महीने की। देखिए, मंगल बुध और सूर्य
तीनों ग्रहों की जो युति है आपकी कन्या राशि होने जा रही है सितंबर के महीने में, जो वृष राशि से पंचम का भाव होता है, पंचम भाव में कन्या राशि है। अब बुध ही अपने घर के मालिक हो गए, बुध स्वग्रही हो गया, और मंगल एक तो खर्चे के घर का मालिक हो गया, दूसरा सप्तम भाव का मालिक है, सप्तमेश और बेश, और सूर्य चतुर्थ का मालिक है। बुध स्वग्रही होने से और सूर्य का साथ मिलने से संतान जो पक्ष है आपका, उससे आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, क्योंकि बुध स्वग्रही बैठे हैं, और स्वग्रही ग्रह जब कोई भी हो अपने घर में बैठता है तो सुख समाचार देता है, परेशान करने वाला समाचार नहीं होता है। जो बच्चे सरकारी जॉब की तैयार कर रहे हैं, यहाँ मंगल उनको पावर देगा और वो क्वालिफाई कर पाएंगे अपने जिस भी कंपटीशन में वो बैठ रहे हैं, जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, स्पोर्ट्स की लाइन है, कुश्ती की लाइन है, इस लाइन में जाने के लिए ऐसे बच्चे तैयार हैं और मंगल उनको क्वालिफाई करेगा। प्यार मोहब्बत के मामले में सप्तम भाव का जो स्वामी मंगल है, अच्छा प्रभाव रहेगा, प्रेम कहानी लिखी जाएगी और वो कामयाबी होगी, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश के साथ सुख का स्वामी भी सुख प्रभाव देगा, तो इनका जो प्यार लव रोमांस रिलेशन इसका जो भी संबंध यहाँ बनेगा वो सब इनको कामयाब करेगा और अच्छा रहेगा। अक्टूबर का महीना बहुत ही इनके लिए प्यार मोहब्बत के मामले में अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे नवंबर के महीने की। नवंबर महीने की बात करें तो आप पाएंगे कि राहु ने गुरु को छोड़ दिया है। 30 अक्टूबर को गुरु से राहु महाराज अलग हो गए और राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और 4 नवंबर को शनि बकरी थे वो वहाँ से मार्गी हो जाएंगे। तो फायदे होंगे, एक तो गुरु राहु को छोड़ देगा और शनि आपका मार्गी हो जाएगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, ध्यान से सुने इसको। शनि हमारे कर्म का स्वामी है और स्वयं कर्म भाव में है और भाग्य का मालिक भी है। भाग्य का मालिक होने से भाग्य का लाभ देगा और कर्म का मालिक होने से आपको कर्म का लाभ देगा, अच्छी स्थिति में है। सो कर्म तो बढ़ना है आपका, कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़ेगा, क्योंकि कर्म ही तो प्रधान होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि कर्म से ही भाग्य बनता है, कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सुतस फल चाखा, कि आप जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा, और जब कर्म अच्छा होता है तो फल भी अच्छा होता है, और जब फल अच्छा होता है तो भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा भाग्य का साथ आपको मिलेगा। देखिए राहु का गोचर अपने 11वें भाव में हो गया है, आपकी कुंडली से जो 11th हाउस है वहाँ राहु का गोचर हो गया है, और 30 अक्टूबर को आपकी जो डिज़ायर आपकी जो इच्छा है अधूरी रह गई थी, मन की कामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, उनको पूरा करने का समय बिल्कुल अब राहु महाराज आपको देने वाले हैं। परंतु राहु एकादश भाव में, इसको त्रिषडा भाव कहते हैं, पहला भाव त्रिषडा है, तीसरा होता है, दूसरा छठा भाव होता है, तीसरा 11वां भाव होता है। राहु तीसरे भाव में बलि होता है, उससे ज़्यादा बलि 6वें भाव में होता है, और उससे भी ज़्यादा बलि 11th भाव के अंदर होता है। तो आपका राहु 11th भाव में है तो मान के चलिए कि बलि से भी बलि बहुत बड़ा बलि है, और बहुत जब बलि होता है ग्रह तो हर चीज़ देने में आपको सक्षम होगा, और वैसे भी ये बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, बृहस्पति सोम ग्रह है उसके घर में बैठा हुआ है, तो ये बृहस्पति जैसे आपको फल भी देगा, आपको लाभ भी देगा, जो आप बृहस्पति आपको देता है। बृहस्पति क्या देता है, भाग्य को बढ़ाता है, धन को बढ़ाता है, संतान पक्ष से लाभ देता है, आय इनकम सोर्सेज बढ़ाता है, ये सब चीज़ें आपको राहु भी देगा, पूरा प्रसाद आपको देगा राहु महाराज। व्यापार वृद्धि के साथ आपको पार्टनर से जो काफ़ी समय से अनबन थी उसमें भी आपकी मदद करके आपको सुलह कराएगा। शादी ब्याह जैसे मामले में मंगल कार्य हैं वो मंगल के साथ मिलकर कराएगा, और जो शादी होगी जाते, क्योंकि राहु की दृष्टि नवम भाव सप्तम भाव पर पड़ती है, नौवीं दृष्टि जब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है वहाँ का स्वामी मंगल है, तो मंगल के साथ मिलकर के आपको सारे मंगल काम कराएगा। जो शादी के योग जातक हैं निराश थे, अब निराशा खत्म होगी, नवंबर दिसंबर में शादी का योग बनेगा और वे नए घर संसार में कदम रखेंगे, ऐसा राहु और मंगल गुरु शनि और राहु के द्वारा होगा, जरूर होगा, क्योंकि सारे ग्रह आपके लिए बहुत अनुकूल हैं, बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं, क्योंकि गुरु राहु शनि और वृष राशि के लिए योग कारक बनकर उसकी हर जरूरत को और इच्छा को पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बात करेंगे आपसे नवंबर दिसंबर में, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, मंगल स्वग्रही आपके 6वें भाव में है तो शत्रुघ्न का योग बनाएगा,
कि मंगल छठे भाव का कारक होता है और यहाँ बहुत बलि होता है मंगल, और अपने जो पत्नी है माँ की उसको थोड़ी कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। मंगल छठे भाव में थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी देता है, पैरों में थोड़ा दर्द देगा, एड़ी में दर्द देगा, पैर की उंगलियाँ हैं उसमें थोड़ा दर्द रह सकता है। पैतृक संपत्ति का उस इशू आपके सामने आएगा, उसमें आपकी जीत निश्चित है। नौकरी पेशा करने वाले जो जातक हैं उनके लिए नवंबर दिसंबर बहुत ही बेहतरीन महीना रहने वाला है। धन की कमी पूरी होगी, प्रमोशन मिलने के योग बन रहा है, आपके सीनियर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जो जातक जॉब लेस हैं, इनके पास जॉब नहीं है, ढूंढ रहे हैं नौकरी, चिंता ना करें, सितंबर से दिसंबर तक आपका जॉब का सपना, अच्छी जॉब का पूरा जरूर होगा। बड़ी कोई एमएनसी कंपनियों में नवंबर के बाद नौकरी की वैकेंसी निकलेगी, आप ट्राई करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सरकारी नौकरी वालों के लिए खुशखबरी है, ट्रांसफ़र हो सकता है, मनपसंद जगह पर इनकी पोस्टिंग हो सकती है। सूर्य आपके सप्तम भाव में है, वृश्चिक राशि में, जब गोचर करेगा तो आपको मनपसंद जगह ट्रांसफ़र करा सकता है। नवंबर दिसंबर में ये सब होगा आपके लिए। भाग्य आपका नवंबर के बाद साथ देगा, कर्म आपके साथ है और आपकी इनकम सोर्स कई जगह से आपको फायदा देगी, लाभ देगी, साइड इनकम भी आपकी होगी और बहुत आपके जो आय के भाव हैं, जो इनकम सोर्सेज है वो आपकी लीगल और इनलीगल दो तरह का आपको वहाँ से इनकम मिलेगा। आपके पैसे कमाने के कई उपाय आपके सामने हैं। हमारा चैनल ज्योतिष का, धर्म का, आध्यात्म का चैनल है। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आता है आपको हमारा प्रोग्राम तो उसको शेयर करें। हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, आपको अपनी कुंडली दिखानी है, हमारे नीचे आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हमारे व्हाट्सएप पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ भेज के आप पाइए अपना सटीक और सरल समाधान ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा जो काम है स्टोन की डीलिंग का भी है, हमारे यहाँ से जो स्टोन मिलता है आपको लैब टेस्ट मिलेगा, गारंटी का माल मिलेगा और प्योर माल मिलता है, कोई भी हेरा फेरी धोखाधड़ी हमारे संस्थान से नहीं होती है। बात करते हैं आपको कुछ उपायों की। अगर केतु आपका आपको थोड़ा सा प्रभाव दे रहा है तो उससे आपको बचने के लिए क्या उपाय करना है, उसके लिए सबसे पहला उपाय है कि गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं आप उन कुत्तों को रोटी खिलाइए घर से ला के, या बाजार से लेके ब्रेड खिलाइए, थोड़ा दूध पिलाइए, बिस्कुट खिलाइए। तो ऐसा करने से जो आपका केतु है यह आपको सुप्रभाव देने में सक्षम होगा और ये काम आपको शनिवार के दिन तो अवश्य ही करना है। अगर आप रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शनिवार शनिवार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का उपाय बताते हैं। अगर मंगल किसी का अच्छा प्रभाव ना हो, जन्म के समय दिक्कत कर रहा है, तो उसके लिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और महीने में एक बार हनुमान जी को आप चोला अवश्य चढ़ाइए। बृहस्पति की बात करेंगे तो वृष राशि के अंदर, वृष लग्न के अंदर बृहस्पति थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं देता। वृष राशि के लिए बारहवें घर में गुरु का गोचर, खर्चा ज़्यादा कराएगा पर कमाई भी तो कराएगा, खर्चा कराएगा तो कमाई भी कराएगा, और फिर भी थोड़ा उपाय ज़रूरी है। उपाय क्या है बताते हैं आपको। आटे के आपने 5 पेड़े बनाने, जैसे रोटी बनाते हैं वो पेड़ा बनाते हैं, इसको लोई बोलते हैं, ऐसे आपने 5 वो पेड़े या लोई लेनी है और उसके अंदर थोड़ी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और एक मुनक्का उसमें रख के उसको बंद करना है। बंद करके बाहर उसके ऊपर हल्दी का टीका लगा के आपने वो हर वीरवार को 5 ऐसे पेड़े बना के आपने गौ माता को खिलाना है और पैर छू के उसका आशीर्वाद लेना है माता का। तो आपके जो बृहस्पति देव अगर आपको सुप्रभाव दे रहे हैं, आपको सुप्रभाव देने लग जाएगी, तो आपके धन संबंधी, संतान संबंधी, भाग्य संबंधी, कर्म संबंधी या जो आय संबंधी जो समस्याएं जिंदगी में थी वो सब आपकी दूर हो जाएंगी और आपको लाभ होगा। तो मैं तो ये आपको वृष राशि का वीडियो आज बताया कि आने वाले 4 महीने सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपके लिए कैसे रहेंगे, प्रोग्राम कैसा रहेगा, इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेके आपके सामने शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।